मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों की ट्रेनिंग को लेकर कहा कि मतगणना के समय गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश शुक्ला ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है। हमारे साथ हैं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और जो वचन पत्र समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, कल 26 तारीख को सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है, ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, इसलिए बुलाया गया है कि बहुत सारे तो पुराने हैं जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनको पूरा अनुभव है, लेकिन अब की फर्स्ट टाइम जीतने वाले बहुत होंगे, जो संख्या कांग्रेस की काफी होने वाली है। तो किस तरह से मतगणना में हम लोग कहीं चूक न कर जाएं, तो उधर पूरी पैनी नजर है कमलनाथ जी की। वो चाहते हैं हमारे नेता कि सबको ये गाइडलाइंस दी जाएं, प्रक्रिया बताई जाए, कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है और क्या करना है। हर राउंड के बाद जो पीठासीन है वहाँ उसे सर्टिफिकेट लेना साइंड बहुत जरूरी है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू हो जाए, ये सुनिश्चित करना है। और अंतिम राउंड डिक्लेयर होने के पहले उसको बिल्कुल रोक दिया जाए, अंतिम राउंड, जब तक कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स डिक्लेयर ना हो जाए। ये ना हो कि पोस्टल बैलेट बाद के लिए हो जाए। हेराफेरी पोस्टल बैलेट्स में ही किया जाता है, अमूमन करते हैं लोग। तो अगर ये सारी चीजें हम सुनिश्चित कर लेंगे तो फिर गड़बड़ी की उससे कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, जो हम लोग चाहते हैं, जो कमलनाथ जी चाहते हैं। सर, आपने कहा कि कई जो है नए चेहरे चुनकर आने वाले हैं, कांग्रेस को डर भी सता रहा होगा, 2018-20 में हुआ था। नहीं, कोई डर नहीं है, ये निर्मूल है शंका आप लोगों की। कल से मुझसे कई लोगों ने पूछा है, कोई दूसरा सिंधिया तो है नहीं अब हमारे बीच। अब एकमात्र नेता हैं हमारे कमलनाथ जी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं। ये बहुत मजे हुए सधे हुए लोग हैं और कितना समर्पण है दिग्विजय सिंह जी का कांग्रेस के लिए। ये कोई भी वो कसर छोड़ते नहीं है। कहीं कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तत्काल पहुंचते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मदद के लिए। तो ऐसे आदमियों से तो उम्मीद नहीं होती है, हो ही नहीं सकती, वो कांग्रेसी हैं। तो कहीं कोई ऐसा अब कोई सिंधिया नहीं है। तो साफ तौर पर राजेंद्र सिंह जी का कहना है कि बिंद में अच्छा करने वाली है कांग्रेस। प्रशिक्षण है 26 तारीख को, वहां 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया है और प्रशिक्षण के साथ कई और हिदायतें भी दी जाएंगी, जिसको लेकर अभी कांग्रेस कुछ बोलने से बच रही है। कैमरामैन हरी के साथ INS 24 से भी इनके लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।